हमने बिल्स रिसीवेबल लिया था महिंदर से, तो बिल्स रिसीवेबल महिंदर से लिया था, तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री होना चाहिए बिल रिसीवेबल टू महिंदर। और इसमें अमाउंट आना चाहिए 5,000। ठीक है, गलत एंट्री क्या करा है बता सकते हो क्या? मैंने बिल्स पेबल मान लिया और अमाउंट भी मैंने 6,000 लिखा, तो गलत एंट्री में यानी इनकरेक्ट एंट्रीज महिंदर और टू बीपी मान लिया मैंने, यही मिस्टेक है। एक्सेप्टेंस गिवन मतलब बीपी, एक्सेप्टेंस रिसीव बिल रिसीवेबल तो पता ही चल रहा है, ठीक है ये कर दिया। अब इसको रिवर्स करें क्या? अगर मैं रिवर्स करता हूं बताओ क्या रिजल्ट आएगा? बीपी टू महिंदर और यहां अमाउंट आ जाएगा 6,000 और 6,000। रिवर्स एंट्री में रेक्टिफाई एंट्री हम निकाल लेंगे यहां से। रेक्टिफाई एंट्री देखो, बीआर डेबिट और बीपी डेबिट दोनों ही डेबिट होना है। बीआर अकाउंट डेबिट, तो बीआर तो 5,000 डेबिट होना चाहिए भाई, और बीपी भी अकाउंट डेबिट कितने से? 6,000 से। और टू महिंदर, महिंदर प्लस हो गया 11,000 रुपए। समझ में आया आपको ये? तो ये थोड़ा सा यूनिक एंट्री था, मैंने बोर्ड पे कर दिया। एंट्री नंबर है ये हमारा 21, 21 या 22, 22 है। कोई डाउट इसमें? तो अभी मैं और भी देखिए, एक एंट्री है एंट्री नंबर 23 कंटिन्यू में, कहता है कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 430। क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि फर्नीचर को उधार में बेचा गया है। इसका मतलब है जो क्रेडिट हमें फर्नीचर करना चाहिए, हमने क्रेडिट सेल्स को किया है। और जब आपको क्रेडिट या डेबिट बोला जाए तो इसका मतलब सिर्फ उसी अकाउंट में पर्टिकुलर एरर है, बाकी दूसरे जो उसका अपोजिट साइड वाला होगा, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट, वो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मैं यहां पे अगर आपको करेक्ट एंट्री बताऊं, करेक्ट एंट्री, तो करेक्ट एंट्री होगा हमारा, मैं मान लेता हूं मैंने नगद में बेचा है, चेक से बेचा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड फर्नीचर, टू ओल्ड फर्नीचर कितने रुपए का? 430। अब मैं आगे बात करूं अगर इसका रॉन्ग एंट्री का, इनकरेक्ट एंट्री का, इनकरेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री क्या होगा हमारा? बैंक में तो सही लिखा है हमने, क्योंकि एरर क्रेडिट में है, बैंक डेबिट हमारा 430 से ही है। क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, तो क्रेडिट में मैंने सेल्स कर दिया और सेल्स में भी मैंने 340 किया है। ये है एक्चुअल यहां पे पोजीशन, जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा है इसके अकॉर्डिंग, सिर्फ क्रेडिट बोला है, तो इफेक्टिव साइड इज ओनली क्रेडिट, नॉट बोथ साइड, ठीक है ना? अब रिवर्स करेंगे, अगर मैं यहां रिवर्स करूं तो सेल्स टू बैंक और ये आएगा हमारा 430 और 340। अब इससे नेट एंट्री अगर करें तो बैंक से बैंक देखो हमारा कैंसिल हो रहा है, सेम अमाउंट है, सेल्स डेबिट बच गया, सेल्स डेबिट बच गया, सेल्स अकाउंट डेबिट जो कि 340 है, और क्रेडिट में बचा है फर्नीचर, और फर्नीचर कितने का है? 430। तो डेबिट में डिफरेंस है तो मैच करेंगे सस्पेंस अकाउंट से और 90 रुपीज। ये हमारा रेक्टिफाई एंट्री है। क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट? चलो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं।
18 पे आ जाते हैं। 18 के फर्स्ट में डाउट, इसका एंट्री है ओवरकास्ट है, तो इसका होगा सस्पेंस टू परचेज। सैलरी पेड एम्प्लॉय मिस्टर अजय डेबिट टू द पर्सनल अकाउंट 3000 रुपीज। यहां होगा सैलरी टू अजय, पर्सनल अकाउंट का मतलब अजय टू कैश कर दिया मैंने। रॉन्ग राइट बताना है, राइट एंट्री सैलरी टू कैश, रॉन्ग एंट्री अजय टू कैश, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? करेक्ट है या गलत में सही मत बोल देना जबरदस्ती। जिसका गलत है वो, जिसको डाउट है वो पूछ लेना। राइट एंट्री होगा सैलरी टू कैश, रॉन्ग एंट्री होगा अजय टू कैश, क्योंकि बोलता है पर्सनल अकाउंट में लिख दिया, अजय को डेबिट कर दिया। रेक्टिफाई एंट्री होगा यहां पे सैलरी टू अजय, चेक करिए और उसे टिक करिए अपने रजिस्टर में। थर्ड एंट्री, गुड सोल्ड टू शशि क्रेडिट 300, रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। इसके अंदर एंट्री करेंगे हम शशि डेबिट डबल अमाउंट से टू परचेज टू सेल्स, इस टाइप की एंट्री हम कर चुके हैं पहले, ठीक है ना? टोटल रिटर्न इनवर्ड एडिट शॉर्ट, तो सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस 9 रुपए, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस टिक करते जाना है आपने। सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस 9 रुपए। परचेज ऑफ चेयर हैप्पी ट्रेडेड 35 एंटर्ड इनटू द परचेज बुक। जब परचेज बुक बोला जाए ना आपका, एक और एंट्री मैं आपके सामने लिखता हूं। परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम हैप्पी ट्रेडर 24 नंबर, परचेज ऑफ चेयर्स फ्रॉम हैप्पी, फ्रॉम हैप्पी ट्रेडर, परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम हैप्पी ट्रेडर, कितने का खरीदा भाई? 35। आगे क्या कहता है? हैज बिन एंटर्ड इन टू द परचेज बुक, हैज बिन एंटर इन टू परचेज बुक, और एज कितने रुपए? 53। चलिए अब इस सेंटेंस को भी समझेंगे। अभी हम देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एंट्री नंबर 24। 24 में क्या कहता है? 23 समझ में आ गया हर किसी को? 24 में देखो और 23 में मेन डिफरेंस क्या है। 23 में कहा परचेज ऑफ चेयर, जब मैंने चेयर खरीदा है तो मींस हमने एसेट्स खरीदा है, ठीक है? तो हम फर्नीचर के नाम से एंट्री कर दे चाहे चेयर के नाम से एंट्री कर दे, बात एक ही है। फ्रॉम हैप्पी ट्रेडर, दुकानदार का नाम है ये हैप्पी ट्रेडर, तो दुकानदार का जब नाम आ जाए खरीदते टाइम पे तो उधार रही है, ठीक है? और 35 रुपए का खरीदा, लेकिन हैज बिन एंटर इसको मैंने लिख दिया परचेज बुक। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, यहां परचेज बुक लिखा है तो यहां पे एरर दोनों साइड है। अगर मैं बोलता हैज बिन डेबिट परचेज अकाउंट तो अलग मतलब था और परचेज बुक में अलग मतलब है। मैं दोनों ही सिचुएशन यहां करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए क्या है यहां का मतलब, करेक्ट एंट्री होगा यहां पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हैप्पी ट्रेडर, हैप्पी ट्रेडर, ये हमारा करेक्ट एंट्री है और जो 35 से है। रॉन्ग एंट्री क्या करा है इसने, यानी इनकरेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री पता है क्या करा है इसने? इसने परचेज अकाउंट डेबिट और टू हैप्पी ट्रेडर और यहां भी 53 और यहां भी 53। अब देखो सर, ऊपर तो सेल लिखा था तो आपने एक साइड में लिखा था,
यहां पे सिर्फ परचेज लिखा तो भी तो परचेज में ही लिखना चाहिए ना, सोचोगे तो आपको कुछ कुछ पहले जैसा ही लगेगा। लेकिन इसमें ऐसा क्या डिफरेंस था जो कि मुझे ऐसा करना पड़ा, वो मैं क्लियरिटी करूंगा। तो इस वाले में भी देखो, कहता है क्रेडिट टू सेल्स, सेल्स मान लिया था बेचा था तो, लेकिन यहां पे रॉन्ग एंट्री देखो, अमाउंट अलग अलग है, और यहां रॉन्ग एंट्री में अमाउंट क्या है, सेम है। अब डिफरेंस यहां पे लिखा था, इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ क्रेडिट सेल्स, सेल्स वाली साइड में गड़बड़ी है, इंडिकेट कर रहा है। यहां पे ऐसा नहीं बोला कि परचेज वाली साइड गड़बड़ी है। अगर ऐसा बोलना होता तो बोलता ये डेबिट परचेज एज 53, अगर ये वर्ड बोलता कि डेबिट परचेज एज अ 53, तो फिर हम परचेज में 53 करते और हैप्पी ट्रेडर में 35। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको बता दे डेबिट क्रेडिट तो पर्टिकुलर उसी अकाउंट में एरर है, लेकिन अगर आपको बोलता है बुक परचेज बुक सेल्स बुक, तो दोनों साइड एरर है, ठीक है ना। तो हमारा यहां पे इसका ये पॉइंट निकला है। रिवर्स एंट्री करते हैं, रिवर्स एंट्री क्या होगा इसका, रिवर्स एंट्री होगा हैप्पी ट्रेडर टू परचेज। देखो है बहुत स्मॉल सा थिंग, लेकिन काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, इस बात को नहीं समझते और लास्ट तक परेशान रहते हैं। करना तो चाहते हैं कि हो जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन परेशान रहते हैं। तो हैप्पी ट्रेडर टू परचेज हो गया। अब रेक्टिफाई एंट्री निकाले, हैप्पी ट्रेडर क्रेडिट और हैप्पी ट्रेडर डेबिट। तो हैप्पी ट्रेडर ट्रेडर कहां बच रहा है हमारा, डेबिट में बच रहा है। माइनस करके बताओ कितने रुपए, तो हैप्पी ट्रेडर रेक्टिफाई एंट्री, हैप्पी ट्रेडर 18, ठीक है। फर्नीचर डेबिट, यहां कहीं फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 35 से, और टू परचेज समझ में आई बात आपको। दोनों एंट्री में डिफरेंस भी समझना है आपने, देखो सामने ही आपके लिखा हुआ है, दोनों को समझना भी है। अगर मैं यहां पे लिखता 430 बट रिकॉर्ड एज अ सेल्स बुक 340, तो क्या यही रेक्टिफाई होता है या बदल जाता, बदल जाता। उस केस में यहां भी मैं लिखता 340 और यहां भी लिखता, क्योंकि वहां मैं सेल्स बुक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन यहां पे सेल्स अकाउंट और क्रेडिट वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है, तो एक ही साइड में एरर है हमारा ये। तो दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों मैंने आपको यहां पे दिखा दिया, नोट करिए अब इसको आप। अब देखो इसमें 25 नंबर एंट्री में क्या लिखा है मैंने, पेमेंट सैलरी टू राम, राम को सैलरी दिया गया 5,000। आगे कहता हैज बिन पोस्टेड ट्वाइस इन सैलरी अकाउंट, हैज बिन पोस्टेड ट्वाइस इन सैलरी अकाउंट। इसका मतलब इंडिकेशन सिर्फ वन साइडेड है, क्योंकि यहां पे कहता है सैलरी अकाउंट में डबल अमाउंट लिखा गया और किसी में नहीं। अगर अकाउंट आ जाए, डेबिट आ जाए, क्रेडिट आ जाए, तो सिर्फ उसी अकाउंट की बात करा जा रहा है, ना कि दूसरे अकाउंट की, ठीक है। अगर मैं यहां पे करेक्ट एंट्री आपको करके दिखाऊं, करेक्ट एंट्री अगर बोलो सर करके दिखाओ, तो मैं करूंगा सैलरी टू कैश, भले ही राम को दिया है उससे कोई लेना देना नहीं है, 5,000। जो स्टूडेंट कहते हैं कि बैंक से, तो कर सकते हो बैंक भी। रॉन्ग एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री। अगर इनकरेक्ट एंट्री मेरे से पूछो तो मैं आपको बताऊंगा, यहां पे मैंने लिखा सैलरी और टू कैश, लेकिन यहां पे और यहां 5,000। इसको हम डायरेक्ट भी सोच लेंगे, ऐसी बात नहीं है, रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स सैलरी टू सॉरी कैश टू सैलरी है ना, कैश टू सैलरी, कैश में आएगा 5,000 और सैलरी में 10,000। अब देखो नेट डिजिट निकालो आप,
सैलरी से सैलरी कैंसिल, सॉरी कैश से सैलरी, डेबिट में 5,000 और क्रेडिट में, तो ऊपर तो कुछ नहीं बच रहा, सस्पेंस टू सैलरी 5,000, ये रेक्टिफाई है। अब देखो इतना करा हमने, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पता है बस सैलरी अकाउंट में गड़बड़ी है, सैलरी को ट्वाइस दो बार डेबिट कर रखा है, एक बार तो करना ही था भाई, तो ज्यादा कर रखा है सैलरी को डेबिट। कितनी बार से? सिर्फ एक बार से। अगर मैंने बोला इस काम को करो और उस काम को आप दो बार कर देते हो, तो इसका मतलब आपने एक बार किया है। एक बार तो मैं ही बोल रहा था उस काम को करने को, तो एक्स्ट्रा कितनी बार किया है? सेम सैलरी को तो डेबिट करना ही था जब पेमेंट करोगे, लेकिन आपने गलती से दो बार सैलरी को डेबिट कर रखा है, यही है ना? तो कितनी बार एक्स्ट्रा डेबिट किया हुआ है? तो सिंगल अमाउंट से रेक्टिफाई होगा। और डेबिट कर रखा है तो रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट कर दो भाई, तो क्रेडिट कर दिया, देखो रेक्टिफाई भी क्या हो गया, सैलरी क्रेडिट टू सस्पेंस टू सैलरी। समझ में आई बात है? इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। ऐसे अगर बोलता ये आपका ट्वाइस की जगह पे थ्राइस, तीन बार लिख दिया, तो एक्स्ट्रा कितनी बार किया? तो 10,000 रुपए से हमारा रेक्टिफाई हो जाता, ठीक है ना? तो ये एंट्री एक थोड़ा सा अलग था, ट्वाइस वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया है। कहता है एन आइटम सेल्स रिटर्न 2,000 वाज पोस्टेड टू द डेबिट। अब राइट और रॉन्ग मैं दोनों करके दिखाऊंगा यहाँ पे। करेक्ट एंट्री देखो क्या होना चाहिए, सेल्स रिटर्न करा है और रिटर्न करा था किसने? पांडे ने। तो एंट्री होगा सेल्स रिटर्न टू पांडे एंड अमाउंट रहेगा 2,000। मैंने एरर क्या किया है, पांडे को क्रेडिट करना चाहिए, बट कहता है पोस्टेड टू डेबिट ऑफ पांडे, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ पांडे, लेकिन मैंने पांडे को क्या कर रखा है, तो कुछ इस तरीके से हुआ होगा। इनकरेक्ट एंट्री, कोई बता सकता है क्या हुआ होगा? पांडे डेबिट किया होगा और सेल्स रिटर्न भी डेबिट किया होगा और टू में ब्लैंक रहा होगा। ये है हमारा इनकरेक्ट एंट्री। पांडे को तो डेबिट कर दिया, तो सेल्स रिटर्न तो भाई डेबिट है, वहां पे तो कोई गड़बड़ी नहीं बता रहा ना, सेल्स रिटर्न में तो डेबिट है, तो टू में कुछ लिखने लायक गुंजाइश ही जगह नहीं है, तो टू क्या छोड़ दिया होगा इसने? ब्लैंक छोड़ दिया होगा। रेक्टिफाई कैसे करेंगे? पहले रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स में क्या होगा? टू पांडे और टू सेल्स रिटर्न अमाउंट। अब किससे क्या कट गया? सेल्स रिटर्न से पांडे डबल हो गया। रेक्टिफाई एंट्री बताइए, रेक्टिफाई एंट्री सस्पेंस टू पांडे, टू पांडे और अमाउंट 4,000। अभी आपको इसमें ध्यान से देखो, मैं फिर दोबारा क्लियरिटी करूंगा इसमें। हाँ जी देखें, ध्यान दे। अब इस पॉइंट को करने के बाद मेरे माइंड में क्वेश्चन भी आता है और एक और मेरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यानी अगर किसी को क्रेडिट करना है और गलती से डेबिट कर दिया है, अमाउंट डबल हो जाता है। पांडे को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, कर दिया था हमने डेबिट, तो रिजल्ट में क्या हुआ? पांडे अमाउंट प्लस हो गया। यानी जब कभी भी रेक्टिफिकेशन एंट्री करने जाओ, तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन डेबिट करना था और आपने उसको गलती से क्रेडिट कर दिया है, करना क्या था? डेबिट, और कर क्या दिया? तो रेक्टिफाई में आपको डेबिट ही करना पड़ेगा उसे, लेकिन अमाउंट डबल करके, उसे डेबिट ही करना पड़ेगा अमाउंट डबल करके और सस्पेंस से मैच करना पड़ेगा। मैंने बोला सपोज करो रोहन को डेबिट करना था 200 से, क्रेडिट कर दिया मैंने, तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा? रोहन
और टू सस्पेंस, और ये 400 रुपए। समझ में आई बात आपको यहां तक? समझ में आ रहा है क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? सेम यहां क्या था, पांडे को डेबिट किया, करना क्या था, तो अब क्रेडिट ही होगा लेकिन अमाउंट डबल। देखो ये रिजल्ट आपके सामने मैंने चारों एंट्री करके दिखाया। दूसरा, अगर किसी पार्ट को क्रेडिट करना था लेकिन कर मैंने डेबिट दिया तो रेक्टिफाई कहां होगा? क्रेडिट करके। करना क्या था, क्रेडिट, कर दिया डेबिट, तो अमाउंट तो डबल होगा, लेकिन जिस चीज को क्रेडिट करना था उसको दोबारा क्रेडिट करोगे। पॉइंट को समझो, जैसे यहां पे पांडे को क्या करना था, क्रेडिट, कर क्या दिया हमने, डेबिट, हमने कर ये रखा था। करना क्या था हमें, क्रेडिट, हमने कर क्या रखा था, डेबिट। तो अब क्या करें, करेंगे तो क्रेडिट करके ठीक हो ही जाएगा भाई, लेकिन अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझ में आया? वेजेस को मुझे डेबिट करना था बट मैंने क्रेडिट कर दिया 1000 रुपए से, अब बताओ रेक्टिफाई कैसे होगा? दोबारा सुनो, वेजेस को मुझे डेबिट करना था, कर मैंने क्रेडिट दिया 1000 रुपए से, वेजेस को डेबिट करना था तो करो ना भाई, वेजेस डेबिट टू अमाउंट 2000। सेल्स को क्रेडिट करना था, पहले पूरा तो सुनो, सेल्स को क्रेडिट करना था 50 रुपए से, मैंने डेबिट कर रखा है 50 रुपए से। सस्पेंस टू सेल्स, अब दोबारा सुनना, मुझे परचेज को डेबिट करना था 50 से, मैंने परचेज को क्रेडिट कर रखा है 60 से। परचेज टू सस्पेंस अमाउंट प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 50 और 60 110 हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? तो आपको जैसे रेक्टिफिकेशन करते हो ना, तो अलग अलग पॉइंट भी होना चाहिए जहां हम डायरेक्टली, मैंने इसको चार एंट्री करा, स्टार्टिंग में मैं बताता भाई डेबिट कर रखा है उसे आप क्रेडिट कर दो और डबल अमाउंट कर दो, आंसर मैच हो जाएगा, तो एंट्री तो यही आता, लेकिन फिर वहां पे आपको समझ में ठीक से नहीं आता। तो एक ये पॉइंट भी हमने देख लिया। मेरे माइंड में दो तीन क्वेश्चन हो रहा है, बिल का मतलब BR, बिल का मतलब BP, और बिल का मतलब कुछ नहीं, जो काम करवाया उसका स्लिप। यहां पे क्या है बिल का मतलब, स्लिप है उसका, बिल का मतलब यहां BR से नहीं है, ना ही BP से है। तो क्वेश्चन में कहता है कि भाई मैंने ना रमेश से अपना कुछ मशीनरी रिपेयर कराया है, उसने मुझे बिल दे दिया कि भाई पैसे दे देना, तो एंट्री क्या होना चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट, पैसे नहीं दिया तो रमेश को बाद में पैसे देंगे, तो रिपेयर बिल का पैसा मैंने अभी नहीं दिया है, यही है ना, रिपेयर बिल का भी पेमेंट अब रमेश से रिसीव किया। अब आप देखो, दो क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रमेश को पेमेंट दे दिया या नहीं दिया, ये आपकी इच्छा है, कुछ भी मानो आंसर तो सेम ही रहेगा हमारा। मैं मान लेता हूं चलो मैंने रमेश को पेमेंट दे दिया, आसानी होगा, मैं दोनों ही बता दूंगा। तो करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री होगा आपका रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसे दे दिए, पैसे नहीं देता तो आउटस्टैंडिंग लिखता और क्या होता, ठीक है। रॉन्ग एंट्री क्या करा, रॉन्ग एंट्री बताइए क्या करा, रॉन्ग एंट्री मैंने करा, इसको रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक में, तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा 720। कोई डाउट है क्या इसमें, बताओ, 720। अब रिवर्स करते हैं इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज 720 और 720। अब कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला। रेक्टिफाई एंट्री, रिपेयर डेबिट 820, कैश डेबिट कैश क्रेडिट, क्रेडिट में बच रहा है कैश हमारा 100 रुपए, और परचेज बच रहा है कहां पे, 700। ये एंट्री होगा।
अब मैंने बोला भाई जब रमेश से मैंने बिल रिसीव किया है, उसको अगर पेमेंट नहीं दिया होता तो जब कभी कोई काम करवा लेते और उसका पैसा नहीं देते तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, तो उस समय पे मैं रेक्टिफाई एंट्री क्या मानता, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ठीक है ना, और यहां मानता परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, उधार खरीदा है, अगर उधार मानते हो तो उसके बाद फिर रेक्टिफाई करते हैं। यहां पे अजम्पशन क्या है, कैश में। आप इसके लिए ना नोट भी डाल सकते हो, वी अज्यूम दैट कि हमने जो एंट्री किया है वो बिल का पेमेंट हो चुका है, उस बिहाफ पे किया है, तो ये हमारा रेक्टिफाई एंट्री, क्लियर। चलिए अब इसको नोट करिए आप। हाँ जी, देखना बोर्ड पे एंट्री नंबर पहले कितने कर रखे हैं, 27, 27 है ना, 28। एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर करोगे तो एक बार में क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन में, एक चेक है 1,000 रुपए का, 10,000 का रिसीव करना था हमें रंजन से, मैं रिसीव की बात कर रहा हूं, जब रिसीव कर रहा था, और विच 200 का कैश डिस्काउंट भी दिया गया था। चेक 10,000 रुपए का है और 200 का डिस्काउंट भी है, तो रंजन से कितने लेने रहे होंगे, 10,200 है ना, 9,800 नहीं, 10,200 वॉज अलाउड, ठीक है भाई। द चेक वॉज नॉट ऑनर्ड का मतलब डिसऑनर्ड हो गया, तो करेक्ट एंट्री पता है क्या बनता है, चेक रिसीव करने की एंट्री करूं या डिसऑनर्ड होने की एंट्री करूंगा, रिसीव तो हो चुका, अब डिसऑनर्ड से काम स्टार्ट हुआ है, तो चेक डिसऑनर्ड की एंट्री करेंगे, तो एंट्री डिसऑनर्ड में क्या करेंगे, रंजन डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक रिसीव किया था, और टू डिस्काउंट उसका वापस कर देते हैं, लेकिन डिस्काउंट अलाउड था वो, और रंजन का डेबिट 10,200, 10,000, पहले ये देखो इसके बैकग्राउंड का, अगर मेरे से पिक्चर पूछते हो रिसीव करते टाइम पे क्या था, तो मैं बोलूंगा रिसीव करते टाइम पे आपने ही किया था क्या, डिस्काउंट अलाउड और टू रंजन, ये एंट्री करा था आपने उस टाइम पे, याद, तो इसको रिवर्स करना है भाई बस, तो जब रिवर्स करेंगे तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट था, तो डिस्काउंट अलाउड ही क्रेडिट करोगे ना आप। चलिए अगले पॉइंट पे, इनकरेक्ट में क्या करा, इनकरेक्ट में क्या करा, बहुत सिंपल, रंजन डेबिट बैंक और टू यहां कर दिया डिस्काउंट रिसीव, सोचा उसने क्रेडिट हो रहा है तो रिसीव में डाल दिया, ये देखिए एरर समझ में आया क्या है, देखो एरर समझ में आया, मुझे डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट करना चाहिए रिवर्स के टाइम पे, क्यों क्रेडिट करें डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि जब आपने चेक लिया था तो क्या एंट्री किया था, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रंजन, अब डिसऑनर्ड हुआ तो मैं बोलता हूं डिसऑनर्ड में एंट्री को क्या करो, रिवर्स कर दो, तो यहां डिसऑनर्ड से हमारा काम स्टार्ट होगा, तो राइट एंट्री तो ये हो गया डिसऑनर्ड का, रॉन्ग में भी आपने यही किया, लेकिन बस डिस्काउंट अलाउड की जगह पे लिख दिया आपने बस डिस्काउंट, यही एरर है, इसको एरर समझ में आया क्या, बताया इसने क्या कहता है, अ चेक 10,000 रिसीव फ्रॉम रंजन, 200 कैश डिस्काउंट अलाउड ऑन द डेट ऑनर ड्यू डेट एंड अमाउंट डिस्काउंट वॉज क्रेडिट, ठीक है भाई क्रेडिट ही करना है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, जो क्रेडिट किया गया वो किस में किया गया, रिसीव अकाउंट में, तो रॉन्ग एंट्री यही है हमारा, रिवर्स करें, रिवर्स एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव बैंक टू रंजन 200, 10,000, रेक्टिफाई एंट्री, क्या समझ में आ रहा है आपको, रंजन से रंजन कैंसिल, बैंक से बैंक कैंसिल, एंट्री क्या है, टू डिस्काउंट अलाउड, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, और डायरेक्ट सोचो गड़बड़ी सिर्फ डिस्काउंट में है, डिस्काउंट रिसीव आपने क्रेडिट कर रखा है, नहीं करना चाहिए डेबिट करो,
करना क्या, क्रेडिट है डिस्काउंट अलाउड, तो वही करा है मैंने, डिस्काउंट रिसीव को मैंने डेबिट कर दिया, करना था डिस्काउंट अलाउड उसे मैंने क्या करा, क्रेडिट कर दिया, इसका रेक्टिफाई एंट्री ये हो गया।